आप तो तीन टाइम एमएलए मिनिस्टर बन के भी आपको घुमंड नहीं है, आप कहीं भी बुलाए तो आगे, और बड़े लोग छोटे लोगों को तो किसी को अलर्ट नहीं, ओनली बड़े पैसे वाले वो लोग जाके पैर पड़ के बाहर आने का सिस्टम था। मैं आने के बाद तो सिस्टम हटा दिया, बीजेपी को वोट नहीं डालते तुम जेडीएस को डालो, वोट डिवाइड होना बीच में, बीजेपी तो आना या जेडीएस तो आना, बिल्कुल उनका प्लान चल रहा। वो पोस्ट इतना पावरफुल है, अभी मैं बेंगलुरु में रह के खाली एक फोन कर दिया एसी तहसीलदार डीसी सभी को, मैं आने से पहले वो काम हो गया रहता, जो चार छह आदमी जो फिर रहे उनके पीछे, वो कैंडिडेट की तरह ये इतनी ताकत लगा रहे, इतनी ताकत लगा रहे, लोगों को झूठ बोल रहे, धोखा दे रहे। देवदेव गार्डन लिंदा, चिटपेट लिंदा, इंडस्ट्रियल लिंदा, मत बीदर सुमार रोड केस आगे, वेजिटेबल मार्केट ना नोड़ ओल सीजन अब शिफ्ट माने हैदराबाद ड्यूटी मारे डेवलपमेंट वन साइड अब 15 वर्ष मे गांधीगंज हमें नान अली गांधीगंज ओनर्स सर 15 इयर्स एमएलए पीरियड नमेंगे गोते आगे 15 इयर्स हम कंप्लीट आगे सर या सर अंत कर् सल प्रॉब्लम आगे सल जाति हर मेले इला रीतल गलाटे नमद बिजनेस सिक्स मंथ कवर मे तुम्बा कष्ट ऐन जाति हर ना मरबिटो बीदर नम नम त्यौहार नम नम मन कास्ट फेस्टिवल मार्केट कास्ट आ कास्ट आ जाति अंत अदेटी अब तुम मुख्य इंपार्टेंट पीसफुल शांति नमेंगे अदू इंपार्टेंट इतो जो डेवलपमेंट मे अब शांति इला प्रॉब्लम डेवलपमेंट अंत हिड़ू सेकेंड क्वेश्चन नंबर बर कौनसलर ऐद्वर वन टाइम आ टू टाइम और जो हत इतना ग्रूप इतने अद्वाल स्वल गुंडा मंदिर एमएलए मूर्ण टाइम आगे मत मिनिस्टर आगे जो मत नहीं आसो यहां डेलीगेशन जो ग्रूप मत बीदर ना एमएलए मनुष्यर अंत यार बंद यार तौरे को ना एमएलए मनुष्यर अंत यार इला वन टाइम एमएलए सुमार ग्रूप सुमार कटेर आर एमएलए हिंदी मत एसी डीसी जाति आ जाति अंत सुमार मत इन क्या बोलते हो गुरु राजा गर्व घुमंड वन टाइम एमएलए सेकंड टाइम एमएलए थर्ड टाइम एमएलए मिनिस्टर कितना घुमंड रहना एक काउंसलर सेकंड टाइम तो घुमंड बात नहीं करता किसको हाथ नहीं मिलाता और बहुत ही गुस्से से बात करता है। आप तो तीन टाइम एमएलए मिनिस्टर बन के भी आपको घुमंड नहीं है, आप कहीं भी बुलाए तो आगे, और सीनियर लोगों को मालूम होना चाहिए सीनियर्स लोग पहले एमएलए का सिस्टम क्या था। एमएलए बोले तो बहुत बड़ा राजा, साल छह महीने में एक बार आते, और बड़े लोग छोटे लोगों को तो किसी को अलर्ट नहीं, ओनली बड़े पैसे वाले वो लोग जाके पैर पड़ के बाहर आने का सिस्टम था। मैं आने के बाद तो सिस्टम हटा दिया, एमएलए बड़ा नहीं होता, एमएलए को जो बनाते हैं एमएलए वो लोग बड़े होते, एमएलए बड़ा नहीं होता, आप लोग एमएलए को बनाते हैं, फिर एमएलए बड़ा बोल कैसा बोल सकता है, वो भी एक सामान्य इंसान है,
कष्ट सुख का अच्छे बुरे दिन में आपके साथ रहता है, आपके फंक्शन में साथ रहता है। बोल के मैं 15 साल से सिस्टम कर कट करके सभी समाज में सभी ओडी में 10-10 बार एक छोटा बर्थडे कार्यक्रम है और आपको और एक आश्चर्य होता है, कई फंक्शन में कोई इन्वाइट नहीं करते तो मैं अटेंड होता, इधर बोला यार वहां है, जस्ट एक सेकंड में फोन आता है कि आज अभी आना है तुम्हें, यहाँ फंक्शन है तो मैं जा चलो भाई आ रहा हूं 5 मिनट में बोलते। तो मुझे बीदर की जनता भी बहुत प्यार दी है, इतना प्यार दी है कि बीदर की हिस्ट्री को ब्रेक कर दी, बीदर की 70 साल की हिस्ट्री को ब्रेक करके ठीक टाइम एमएलए बनाए, मिनिस्टर बनाए। तो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट 100% आ रही है, 150 सीट्स के अभाव, वो भी टीवी चैनल वाले सर्वे वाले बोले, टीवी चैनल वाले 90% कांग्रेस को अपोजिट डाल रहे, मगर इस बार थोड़ा सा सही डाल रहे क्योंकि मजबूर हो गए, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे भी इस बार आपकी मदद हो गई तो मुझे भी बड़ा स्थान मिलता है, बड़ा पोस्ट मिलता है। तो अभी बीदर को अच्छा डेवलपमेंट, हम बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो पोस्ट इतना पावरफुल है। अभी मैं बेंगलुरु में रह के खाली एक फोन कर दिया एसी तहसीलदार डीसी सभी को, मैं आने से पहले वो काम हो गया रहता क्योंकि मिनिस्टर को तो गवर्नमेंट के पूरे ऑफिसर गवर्नमेंट के पूरे पीएल टाइप रहते, छोटा रो बड़ा रो। तो इसके लिए हम भी कब तक रहते पता नहीं, कैसे कैसे लोग, आज भी एक अच्छा नौजवान लड़का खत्म हो गया हमारे खान साहब थे ना उधर गुमता की कॉलोनी में, उनका लड़का खत्म हो गया 50 एज और एक 30 एज का परसों दर्जी गली में वो था ना, तो इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं। मगर मैं पूरी जनता को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो काम करने वाले को अगर मदद नहीं किए तो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा, खराब लोग इसमें छा जाएंगे। 5 साल जो मेरे अपोजिट में अभी जो लड़ रहे हैं जेडीएस या बीजेपी के लोग, 5 साल किधर रहते पता नहीं, 1-2 महीने वो इलेक्शन में तो आ जाते हैं, आके किस बेस पे वो जीतने की कोशिश करते हैं बोलो तो, लोगों को खरीदने की, हम लोगों को खरीदेंगे, पैसे देके खरीदेंगे 1,500 रुपए, इतने पैसे तो हमारी किस्मत बदल दी या कुछ, हमारी जिंदगी में हम लाखों रुपए 1,000 रुपए खर्च कर दिए लेकिन उन्होंने क्या 1,500 में खरीदेंगे बोल के, वो 1,500 नहीं है रियल में, देने वाला वो दिमाग वाला रहता, मैं जो दे रहा हूं 5 ईयर्स के लिए, लेने वाले हिसाब नहीं डालते। अभी किसी के पास मोबाइल है तो डाल के देखो 25 पैसे होते, इंसान का वैल्यू हम सबका कितना वैल्यू रखे 25 पैसा, ये 25-25 पैसे जमा करे तो जब जाके 1,000 रुपए 500 रुपए, वो लोग हंसते बैठ के यार मैं तो 25 पैसे में खर्चा खरीदा इनको बोल और जात के नाम पे क्या बोले वो धोखा देके, और उनके पीछे कुछ लोग कोशिश कर रहे ना, उनको पता है ये एमएलए जीता तो यहां तो नहीं रहता बेंगलुरु में रहता है, मगर वो एमएलए बन के उनका राज चलता बोल के वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं, 4-6 आदमी जो फिर रहे हैं उनके पीछे, वो कैंडिडेट किधर गए, ये इतनी ताकत लगा रहे लोगों को झूठ बोल रहे हैं धोखा दे रहे कि उन्होंने एमएलए का रूल करेंगे, उन्होंने बीदर में कब्जा करेंगे, उन्होंने दादागिरी करेंगे, पूरे 420 काम करते हैं लोग, गरीबों के जमीनों को कब्जा करते हैं। अभी कुछ नहीं है तो पंचायत मेंबर नहीं है तो भी लोगों को डराते क्या बोले वो करते रहते। तो इसके लिए आप लोग हमको दुआ कीजिए, हमको काम करने के लिए मदद कीजिए, क्योंकि निन्ने मन्ने नम ताई अल्लक शुरू माड़ो ओंद व्हाट्सएप नल्ली हाकिदारे, इवरिगे बीदर लिंद वोट्स बिट्टो इसको बीदर से भगा देते हम इस बार अंत ऐनेनो सुळ सुळ हाकलतारे,
ऊपर से सिद्धरामैया को अश्वत्थ नारायण बोले ना इसको खत्म कर देना बोल के सीएम को, आपको मालूम है सर ऐसा मेरे को भी भगा देते क्या बोल जा रहे। तो मैं बोला माता जी को ऐसा नहीं है, कुछ लोग डाल रहे हैं मगर मुझे पूरी बिदर की जनता बहुत ही प्यार विश्वास दी है और खासकर स्पेशली क्राइस्ट समाज, मैं चर्च में ठहर के बोल रहा हूँ और आपको भी मालूम है 100% मुझे मदद किए। क्राइस्ट समाज अगर मदद नहीं करती, दलित समाज मदद नहीं करता तो यहाँ पे एक एमएलए बन के कोई नहीं आ सकता, स्पेशली बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी एमएलए। इस बार स्पेशली बैकवर्ड में, दलित में, माइनॉरिटी में वोट डिवाइड करना बोल के उनकी बहुत कोशिश हो रही है, वो डिवाइड करने उन्होंने नहीं आते हमारे इसमें से सेलेक्ट करके दोषा आदमी को, उनको पैसा देते दे के तुम जाके उल्टा सीधा कन्वेंस करो। बीजेपी को तो वोट नहीं डालते, तुम जेडीएस को डालो। वोट डिवाइड होना बीच में, बीजेपी तो आना या जेडीएस तो आना, बिल्कुल उनका प्लान चल रहा और जेडीएस बीजेपी दोनों अलायंस हुए, पूरा व्हाट्सएप फेसबुक में देखे होंगे, पूरा एमपी इलेक्शन तक अभी दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, दोनों मिलके अलायंस में जाएंगे। तो सभी सीनियर एंड रेस्पेक्टेबल आप लोग हैं तो आप पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहिए। आप घर घर आप वोट डालते हैं लेकिन आपके रिलेशन फ्रेंड्स ये सभी जिम्मेदारी का काम है। आप इतनी जिम्मेदारी एक वीक उठा लीजिए, मैं 5 ईयर्स आपके साथ। कष्ट और डेवलपमेंट में 100% आपके साथ रहता हूं। आप बिदर पूरा बिदर देख लीजिए, हर जगह आप जाएंगे तो सीसी रोड, रेल, लाइट, ये पानी का, पहले बिदर में ओनली पानी का टाकी 2 था, अभी 18 पानी का टाकी है। ये अभी जो पावर दिख रहा है ना, बिदर में ओनली 1 लाख पॉपुलेशन को 4-4, 6-6 आवर करंट जाता था, चुमनी चलता था पहले, हमेशा चुमनी कैंडल जलाते थे लोग, अभी वो 90% 99% खत्म हो गया। पावर जनरेट के लिए यहाँ पे 50 करोड़ खर्च लगाए होंगे। डीके शिवकुमार अभी जो अध्यक्ष है वो पावर मिनिस्टर था, वो झरना है ना और चिटपेट में 24 करोड़ 18 करोड़ के बड़े ट्रांसफॉर्मर मशीनरीज बनाए ताकि करंट जनरेट हो और बिदर में कम ना पड़े। बोलने के लिए बहुत है सब, आप इधर ही जाके कॉलेज देख सकते हैं, इधर ही बस स्टैंड बनाना, न्यू बस स्टैंड भी है जो डीसी ऑफिस के सामने सिटी बस स्टैंड है, दोनों बस स्टैंड वही बनाए, मेरा नाम वहां देख सकते हैं।